मेरे है। दादी जामनगर के हैं, हाँ मेरे दादी जामनगर के रहवासी है, और मैं शादी इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनका घर यहाँ है और हमारा भी, हम गुजरात के हैं, महाराष्ट्र भी, तो हम, ये तो प्री वेडिंग यहाँ हो रहा है, शादी तो मुंबई में होगा, प्री वेडिंग यहाँ है और ये हमारा घर है, तो और हम यहाँ ही घर में ही शादी के, जामनगर के वासी के साथ, हमारे बहुत सारे जो मेरे कलीग्स हैं उनके साथ शादी प्री वेडिंग करेंगे तो अलग ही मजा होगा। तो आपकी होने वाली धर्मपत्नी आपके इस प्रोजेक्ट को कितना सराहती हैं, कितना उनका योगदान है, वो क्या कहती हैं? वो भी एक बहुत बड़े जानवर प्रेमी हैं और वो कभी भी ये नहीं बोलती है कि आप, क्योंकि बहुत समय, मेरे पास समय ही नहीं बचता है, काम के बाद मैं इस पर लगा रहता हूँ तो इस पर लगा, तो वो साथ साथ में मुझे मदद करते हैं। अगर कोई जानवर बीमार है तो हमारे जो वैद, जो हमारे पशु वैद है उनसे बात करना, कभी कभी अगर मैं अवेलेबल नहीं रहता हूँ, मैं मौजूद नहीं रहता हूँ यहाँ, तो वो खुद पशु वैद से बात कर लेते हैं, वो खुद हमारे जो ट्रस्ट के मैनेजर्स हैं उनसे बात करके फीडबैक लेते हैं, और वो खुद, कोई कोई हाथी है जो उनको आवाज़ से पहचानते हैं, हमने बहुत सारे हाथी रेस्क्यू किए हैं साथ में और बहुत सारे हाथी राधिका को आवाज़ से पहचानते हैं, और उससे ज़्यादा मेरी जो मम्मी है वो मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा रही है। मम्मी ने बचपन से ही मुझे सिखाया, और वो खुद, मतलब मम्मी ने हमें, जब कबूतर मांजा से कट जाते थे तो मम्मी, जब हम छोटे थे, मम्मी उनको घर पे लाते थे, मम्मी पालते थे, उनका पोषण करते थे। मम्मी ने घर पे एक बाज का बच्चा, जब छोटा था, गिर गया था झाड़ से, उसको भी बड़ा किया और छोड़ा। मम्मी ने हमें नीचे घर पे, हमारे बहुत बिल्ली होते थे, उनको रोज दूध, हम सब बच्चे लोग, मैं, मेरे भाई, मेरी बहन, सब दूध लेकर जाते थे, तो हमारा दुनिया ही जानवर, इसके लिए हम हमारे दुनिया में मस्त है। मेरे दादी जामनगर के हैं, मेरे दादी जामनगर के रहवासी है, और मैं शादी इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनका घर यहाँ है और हमारा भी, हम गुजरात के हैं, महाराष्ट्र भी, तो हम, ये तो प्री वेडिंग यहाँ हो रहा है, शादी तो मुंबई में होगा, प्री वेडिंग यहाँ है और ये हमारा घर है, तो और हम यहाँ ही घर में ही शादी के, जामनगर के वासी के साथ, हमारे बहुत सारे जो मेरे कलीग्स हैं उनके साथ शादी प्री वेडिंग करेंगे तो अलग ही मजा होगा। तो आपकी होने वाली धर्मपत्नी आपके इस प्रोजेक्ट को कितना सराहती हैं, कितना उनका योगदान है, वो क्या कहती हैं? वो भी एक बहुत बड़े जानवर प्रेमी हैं और वो कभी भी ये नहीं बोलती है कि आप, क्योंकि बहुत समय, मेरे पास समय ही नहीं बचता है, काम के बाद मैं इस पर लगा रहता हूँ तो इस पर लगा, तो वो साथ साथ में मुझे मदद करते हैं। अगर कोई जानवर बीमार है तो हमारे जो वैद, जो हमारे पशु वैद है उनसे बात करना, कभी कभी अगर मैं अवेलेबल नहीं रहता हूँ, मैं मौजूद नहीं रहता हूँ यहाँ, तो वो खुद पशु वैद से बात कर लेते हैं, वो खुद हमारे जो ट्रस्ट के मैनेजर्स हैं उनसे बात करके फीडबैक लेते हैं, और वो खुद, कोई कोई हाथी है जो उनको आवाज़ से पहचानते हैं, हमने बहुत सारे हाथी रेस्क्यू किए हैं साथ में और बहुत सारे हाथी राधिका को आवाज़ से पहचानते हैं, और उससे ज़्यादा मेरी जो मम्मी है वो मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा रही है। मम्मी ने बचपन से ही मुझे सिखाया, और वो खुद, मतलब मम्मी ने हमें, जब कबूतर मांजा से कट जाते थे तो मम्मी, जब हम छोटे थे, मम्मी उनको घर पे लाते थे, मम्मी पालते थे, उनका पोषण करते थे। मम्मी ने घर पे एक बाज का बच्चा, जब छोटा था, गिर गया था झाड़ से, उसको भी बड़ा किया और छोड़ा। मम्मी ने हमें नीचे घर पे, हमारे बहुत बिल्ली होते थे, उनको रोज दूध, हम सब बच्चे लोग, मैं, मेरे भाई, मेरी बहन, सब दूध लेकर जाते थे, तो हमारा दुनिया ही जानवर, इसके लिए हम हमारे दुनिया में मस्त है।